घर घर गूंजे एक ही नाम जय श्री राम, घर घर गूंजे एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम। आज अमेठी की पुण्य धरती पर अपने संकल्प को पूरा कर नए उत्साह, जन विश्वास और जनता का आशीर्वाद लेकर पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सब अमेठी लोकसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। तालियों की गूंज से महाराज आपका हम सब स्वागत करते हैं। जैसे कि विधायक सुरेश पासी जी ने कहा कि आज जगदीशपुर का ये सुखद इतिहास है कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना शुभाशीष हमारी स्नेही जनता को दिया है। और इसीलिए अमेठी की दीदी सांसद नहीं बहन अमेठी के एक एक नागरिक से कहती है कि जिस मुख्यमंत्री ने भाई बनकर हमारा संरक्षण किया, परिवार के मुखिया के नाते हमारा विकास किया, बेटा बनकर जिसने गरीब को सहारा दिया, आज अपने अपने स्थल पर खड़े होकर 5 मिनट तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हम सब अपने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें, वंदन करें, जोरदार तालियों के साथ योगी आदित्यनाथ जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और गर्जना करें मां भारती की, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इतिहास में आनंद का दिन है कि 40 साल जिस जनपद को सुखद सपने दिखाता आया एक परिवार, जिस भ्रम में गरीब को छोड़ता आया एक परिवार, जिस दिशा में गरीब को छोड़ता आया एक परिवार, आज योगी जी मेडिकल कॉलेज का ये कार्यक्रम उस परिवार के घमंड को और भ्रम को तोड़ने का एक हुंकार है। 40 साल पहले इस जनपद को एक सपना दिखाया गया कि जनपद की जमीन उस परिवार के सुपुर्द कर दी जाए और वो खानदान इस जनपद को एक मेडिकल कॉलेज बनाकर देगा। इन 40 सालों के अंतराल में किसानों से जमीन ली गई, यह आश्वासन देते हुए कि वो एक खानदान जनपद के किसान को हरित खेत, उज्जवल भविष्य देगा। 50 साल के उनके एक छत्र राज में आज आपकी बहन होने के नाते गर्व से सर ऊंचा करके कहती हूं कि अमेठी के इतिहास में पहली बार 3 लाख किसानों के बैंक के खाते में सालाना अगर 6,000 रुपया किसी ने पहुंचाया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। अमेठी का एक एक गरीब, एक एक किसान मोहताज था उस खानदान के, और अमेठी को अंधकार में रखने का अपराध उस परिवार ने अकेले नहीं किया। हाथ ने साइकिल को थामा, हाथ और साइकिल हाथी पर चढ़े और उन लोगों ने मिलकर अमेठी के सपनों का तिरस्कार किया। इसलिए आज जो वो 3 राजनीतिक दल 40 साल में ना कर पाए,
वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 साल में कर दिखाया। ये मेडिकल कॉलेज इस बात का प्रमाण है, इस बात का गवाह है। मैं स्तब्ध हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणभूमि पर जब उस खानदान के कुछ लोग उतरते हैं तो अपनी ओर से जय घोष देते हैं, लड़की हूं। आज पूछना चाहती हूं उनसे, जो दम भरते हैं रिश्तों का, जो दुहाई देते हैं महिला होने की, कि 50 साल एक छत्र राज रहा आपका इस जनपद में, 2.5 लाख बहनें ऐसी जिनके पास कभी डॉक्टर के पास इलाज कराने का पैसा नहीं था। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 2.5 लाख परिवारों में आयुष्मान योजना का आशीर्वाद पहुंचा। आप एक जनपद में महिला को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा ना दे पाए और उत्तर प्रदेश को झूठे वादे देने का आप आज पाप करते हैं। इस मंच पर योगी जी, मैं अपने संगठन अपनी पार्टी का अभिनंदन करती हूं। इस जनपद ने 50 साल एक छत्र राज एक परिवार का देखा। जब वो जाते थे गरीब के घर में खाना खाने, अपनी तस्वीरें खिंचवाने, ताकि चुनाव में वोट पा सके, और मेरे संगठन ने, मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री और मेरे प्रधानमंत्री ने अमेठी जनपद में 14 लाख गरीब परिवार के सदस्यों को मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन 19 महीने दिया। वो गरीब की झोपड़ी में जाकर रोटी खाते रहे गरीब की, और आपने गरीब की थाली को अनाज से भर दिया। यही हम में और उनमें फर्क है। जब आज मैं सुरेश खन्ना जी का अभिनंदन करती हूं तो इस बात से गदगद होती हूं कि हमारे विधायक वेंकटेश्वर जी ने सही कहा, तिलोई एक मेडिकल हब बनकर उभर रहा है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 200 बेड का अस्पताल के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मात्र कल्पना तक सीमित ना रहकर अब धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प जगदीशपुर, तिलोई, अमेठी, गौरीगंज और सलोन की जनता को दिखाई दे रहा। आज योगी जी आपका स्वागत करते हुए जब सुरेश पासी जी का उद्बोधन हुआ तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वोच्च अगर स्थान किसी को मिला तो हमारी जनपद अमेठी को मिला। ये हमारा अभिमान है। जो लोग आज उत्तर प्रदेश की चुनावी रणबेला में ये घोषणा करते हैं कि वो गरीब का साथ देना चाहते हैं, उनको अमेठी आकर जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में गरीब के लिए घर बनाने में वो पूर्णतः सक्षम क्यों नहीं हुए। योगी जी, आज आपका प्रशासन और भारत सरकार अभिनंदन के पात्र है कि अमेठी में 71,000 परिवार, और हर परिवार में अगर 3 सदस्य आप देखें तो 2 लाख लोगों को जीवन में सर पर छत पहली बार तब मिली जब कमल का फूल इस धरती पर खिला। मैं आज योगी जी को याद दिला रही थी कि आप 4.5 साल पहले जब आए तब आपके शुभ हस्तों से नींव डाली गई जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस की, तब आपके हाथों से हमने यहां जनता का सम्मान करते हुए कहा कि फायर स्टेशन की पहली बिल्डिंग अगर कोई बनाएगा तो वो भाजपा की सरकार का प्रतिनिधि ही बनाएगा। वेंकटेश्वर जी ने उल्लेख किया कि तिलोई का बस अड्डा रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया। आज जनता जनार्दन उस खानदान से कहती है
कि 30 साल तुम एक बस अड्डा ना बना पाए अमेठी में, तिलोई में, और अब उत्तर प्रदेश बनाने की बात करते हो। अरे अगर उत्तर प्रदेश में किसी को आकर देखना है कि वो कौन सी पार्टी है जो विकास के पथ पर अग्रसर है, तो वो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और अगर उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि गरीब के साथ कैसा छल होता है, तो आकर अमेठी के गरीबों से पूछ ले कि कांग्रेस और सपा के राज में कैसे न सिर्फ गुंडे घूमते थे बल्कि गरीब उन नेताओं के पैरों तले कुचला जाता था। इसलिए आज योगी जी आपके माध्यम से योगी मोदी की जोड़ी का अभिनंदन करती हूं। तेजभान दादा इस मंच पर विराजमान है। हम स्तब्ध थे जब पहली बार भारत सरकार के कृषि मंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से अमेठी पधारे तो दादा तेजभान ने कहा, भैया कुछ देना हो तो अमेठी को एक खाद की रैक दे दो। आज तक इतिहास में हमारी अमेठी में खाद की एक रैक तक नहीं उतरी। आज मोदी जी और योगी जी का अभिनंदन करती है अमेठी की जनता। न सिर्फ पहला खाद का रैक उतरा अमेठी जनपद में बल्कि पहली बार किसान विकास केंद्र और साथ ही सॉइल टेस्टिंग लैब अगर किसानों के लिए किसी ने बनाकर दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और जाते जाते कहना चाहती हूं महाराज, आज सुरेश पासी जी अपने उद्बोधन में गिना रहे थे कौन सी सड़क किस एक्सप्रेसवे किस हाईवे से मिलती है। प्रभु राम की लीला देखिए, जिस क्षेत्र में जिस खानदान के लोगों ने जाकर कोर्ट में एफिडेविट दे दी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, उसी क्षेत्र की जनता को अयोध्या से एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसी जगदीशपुर में, चुनावी बेला में भाई बहन अवतरित हुए। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसकी परिभाषा करने लगे। गंगा जी के स्नान का अपमान करने लगे। आज उन तक निश्चित रूप से योगी जी की सभा का संदेशा जाएगा। मैं चाहती हूं कि वो अमेठी की गर्जना से इस बात को स्वीकार कर ले कि हिंदू वो है जिसने बिना पक्षपात के हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाया, वो है जिसने सड़क बनवाई, 71,000 परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन दिलवाया, वो है जिसने अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनवाया। इसलिए आज हर हिंदू और हर हिंदुस्तानी की ओर से सम्मानित मंच का अभिनंदन करती हूं। योगी जी आप पधारे, वचनों की पूर्ति करके आपके संकल्प को प्रणाम करती हूं और अमेठी के मेरे स्नेही भाइयों और बहनों से कहती हूं कि गूंजे फिर एक बार कि हर घर से निकल रहा है एक ही नाम अमेठी में, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर घर गूंजे एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलो भारत माता की।